हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट मैंगो चैनल पे। दोस्तों, आज के गेम प्ले में हम लोग खेलेंगे फिन एंड एंशियन मिस्ट्री। दोस्तों, एक काफ़ी कमाल का गेम है जो अभी जस्ट फिलहाल मैंने इसे यूट्यूब पे एड पे देखा था और दोस्तों मुझे अच्छा लगा और मैंने इसे डाउनलोड किया। तो दोस्तों, इसका यूआई और इसका गेम प्ले मुझे काफ़ी पसंद आया, होप आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें गेम खेलना और गेम बनाना पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अपना राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपने इस तरह के गेम खेला कि नहीं खेला और आपको किस तरह के गेम खेलना पसंद है। तो चलिए आप कमेंट कीजिए और हम इसे गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक एक स्टोरी बेस गेम है, तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को भी सुनते हैं। Maybe because my father should have smelled me at the station and gone to meet me near the gate. Father! Finn, you too. You came. Be silent. I'm gonna call the doctors. Don't. Listen, I don't have much time. You must find an artifact under our family crypt. Protect it, live or die. What crypt? What artifact? You need a doctor. I love you, Sonny. I do not understand anything, but I'd really like to make things out. And that kitten should help me in this. दोस्तों, तो अभी आपने देखा कि ये स्टोरी जो है चिल्ड्रेन और पेरेंट्स की है। मीन्स दोस्तों, एक चिल्ड्रेन है और उसके फादर को कुछ लोगों ने मार दिया है। और दोस्तों, चिल्ड्रेन जो किड्स है उसका, वो उसे बदला लेने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे हम लोग उस पर्सन को सर्च करेंगे, बट इसमें हमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से कंट्रोल्स हैं, इनसे आप आगे पीछे हो सकते हैं। एक तरह से रोल प्लेइंग गेम की तरह है और यहाँ से आप इसे जंप कर सकते हैं और दो बार भी जंप कर सकते हैं। यहाँ पे जंप करेगा और धीरे धीरे इसकी पावर खोलते जाएंगे। लाइक यहाँ पे इसके सॉर्ड हैं, तो हम लोग इसको गेम प्ले को 10 मिनट खेलेंगे और उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद प्ले कर सकते हैं। मैं आपको इस गेम प्ले को चलिए दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रेड है उससे आपको दूर रहना है और यहाँ से आप इसको डबल जंप करके आगे की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से। और इसमें दोस्तों डायमंड भी हैं, बट आपको रेड से काफ़ी दूर रहना है। ओके, अब जैसे आगे जाते जाते हैं आपकी तरह डायमंड्स आते जाते हैं और अभी आप देखेंगे कि हमें शॉर्ट भी मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम आगे नहीं जा सकते, ये एक ब्रिज है, तो इसको ओपन करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे जाना है। ओके, तो ब्रिज हमारा आ चुका है, तो चलिए हम लोग ब्रिज पे जाते हैं, बट साथ में हमें ये डायमंड भी चाहिए, तो लेट्स जंप। वो तो हमारे पास आ गया और ये भी है एंड हियर इज क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, आई कैन यूज अ डबल जंप टू जंप हायर, या आई नो वेरी वेल। तो इसे हम क्लोज करते हैं। तो हमें ऊपर जंप करना है तो हमें दो बार जंप करना रहेगा, या मैं यहाँ आ गया। लुक एट वॉट वी हैव हियर, अ स्वॉर्ड, परहैप्स इट कैन कम इन हैंडी। ये बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको लेने के लिए स्क्रीन पे कुछ आएगा बट इसके पहले घोस्ट आपसे बात करेगा। तो गोश्त क्या कहता है, आहा अच्छो फाई सो मच डस्ट, हे स्टॉप पुटिंग योर पॉज ऑन अदर पीपल्स थिंग्स, यानी कि दूसरों के ऊपर अपना पैर रखना बंद करो। फिन एंशियन घोस्ट, लेट मी टेक योर एंशियन सॉर्ड एंड टू डिफीट माई एनिमीज विथ इट, मुझे ये तलवार लेने दो और मुझे अपने दुश्मनों को हराने दो। घोस्ट क्या बोलता है, बॉय आर यू हॉट, आर यू नट्स, स्पीक क्लियरली, आई एम नॉट दैट एंशियंट
आई एम नॉट अ ट्रू घोस्ट, मैं एक सच्चा घोस्ट नहीं हूँ, आई एम योर ग्रेट ग्रैंड फादर, वॉट आर यू डूइंग हियर। अब देखिए, एक तो उसका फादर था और एक ग्रैंड फादर है। अब ये बोलेगा फिन जो हमारा है, हम जो हैं ये जो रोल प्लेइंग कर रहे हैं, माई फादर वॉज किल्ड एंड द मर्डरर रैन हियर बिफोर हिज डेथ, माई फादर आस्क्ड मी टू फाइंड सम काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट। जिसने मेरे फादर को मारा है वो यहाँ पे आ चुका है मर्डरर, और उस बिफोर अपने डेथ के, और उसे हम यहाँ पे किल करने आए हैं। ग्रेट ग्रैंडपा आर्टिफैक्ट, ओ यू आर आउट ऑफ लक विद ईयर्स। चलो भैया अब इसे destruction invoked their deity into our world. The cities collapsed in an instant. The mountains crumbled into the dust. But the group of defenders, in which was our ancestor too, found a way to stop this apocalypse. I have not seen it myself, of course, but in the annals it's written this way. With the help of 6 artifacts, they drove the destroyer out of our world and destroyed the cult. They hid artifacts in the farthest corners of the world. From that time, our family has been protecting one of them in this crypt. तो दोस्तों ये था स्टोरी। हम लोग चलिए स्वॉर्ड को लेते हैं। तो स्वॉर्ड को लेने के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, एंड दिस इसके बाद यहाँ पे जो आपको पंजा दिखाई देता है इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास स्वॉर्ड आ चुकी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो स्वॉर्ड है उसमें भी ताकत आ गई है, आप इस तरह से स्वॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और अगर एक बार और अगर आप जंप करते हैं तो आगे कुछ एरिया खाली हो जाता है और यहाँ से आप कुछ डायमंड कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग बैक होते हैं और अपने दुश्मनों की तलाश करते हैं। यार इज अ क्वेश्चन मार्क, आई कैन टेस्ट माय सॉर्ड ऑन हिज बैरल। चलिए हम लोग अपना बैरल पे टेस्ट करते हैं। वाओ गुड, लेट्स जंप। ओए अरे भैया इसे खत्म ही करना पड़ेगा। अरे तो पीछे पड़ गई है यार। आई थिंक आई नीड टू जम्प ऑफ द ब्रिज, इट्स गुड दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हाइट्स। ये हाइट का अफ्रेड नहीं है तो ये नीचे जाना चाहता है, तो हम इसे रोकेंगे नहीं। ये हम नीचे आ गए और इधर हम जा नहीं सकते, तो चलिए हम लोग इधर ही जाते हैं और इनको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। यहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स मिलते जाएंगे बट इसे हम छोड़ नहीं सकते। और दोस्तों एक गेम प्ले 10 मिनट का होगा। अगर आपको एक गेम पसंद आ रहा है तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं। और इसे हमें बचना है तो हमें जंप करना चाहिए। ओ गॉड व्हाट आई डिड। देखिए मैंने डायमंड खो दिए अपना, क्योंकि मैं इसे अपना डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। और यहाँ पर मुझे इसे बच के जाना है बट इसे मुझे डिस्ट्रॉय भी करना है। Can't leave you, man. मैंने इसे डिस्ट्रॉय किया। यहाँ से जाने के लिए एक जंप मारना है और थोड़ा सा आगे जाना है और यहाँ से डबल जंप करके मुझे ऊपर जाना है। इसे डिस्ट्रॉय जंप। ओह नो, और हम लोग इसे आ गए। यहाँ पर खोलते हैं इसे। अरे दरवाज़ा खुल चुका है, देख सकते हैं आप किस तरह से कैमरे का मूवमेंट है। इसे ओपन भी कर सकते हैं। पर दोस्तों आपने देखा कि हमारा दरवाज़ा खुल चुका है, तो हमें जस्ट अगेन आगे की तरफ जाना है और बड़े सावधानी से जाना है। और आई थिंक इस बार मुझे इसे ख़त्म ही कर देना चाहिए। यो यो यो, इसके सर पे बैठने से क्या होगा, इसे और मारो। ये खत्म, और हमारा गेट खुल चुका है तो हम लोग इधर भी जा सकते हैं। अरे क्या हुआ भाई तुम्हें, हम
इस तरह से छोड़ नहीं सकते। अब देख सकते हैं दोस्तों आप, हमारा जो थर्ड है ये भी ओपन हो चुका है। हम यहाँ से फायर को रिलीज कर सकते हैं और ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है भाई, इसे हमने खत्म कर दिया। और आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये क्या, इसे खत्म करते हैं, ये भी खत्म। लेट्स जंप, वन मोर जंप। तो हमारा 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, बट थोड़ी देर और ट्राई करते हैं, और अगर आपको बहुत पसंद है तो इसको हम लोग और आगे कैरी करेंगे। और जब तक मेरे पास लाइफ है मैं इसका यूज कर लेता हूँ। नीचे उतरो और इसे खत्म करो जल्दी, बिकॉज हमने 10 मिनट कंप्लीट कर लिया और इस पे से हमें संभल के जाना है। सो लेट्स जंप। अब भैया कहाँ जंप करना है कोई आइडिया नहीं। ओ यहाँ पर जंप करना है, अरे भाई अरे भाई। ओके तो हमारे पास लाइफ नहीं है दोस्तों, तो ये मेरा 10 मिनट का गेम प्ले कंप्लीट हुआ। और उम्मीद है कि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें गेम खेलना गेम प्ले पसंद है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।